नमस्कार दोस्तों, प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे से भयंकर बारिश का दौर जारी है और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से अब तक 14 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 14-15 जनों से भी ज़्यादा झुलस गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में 5 जनों को, गाजीपुर में 3 जनों को और औरंगाबाद बिहार में 6 जनों को इस आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मृत घोषित कर दिया गया है। ये सभी के सभी लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे थे, तो जबकि कुछ जने हैं जो भैंस बकरियाँ चरा रहे थे। इसी दौरान जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो सभी के सभी बचने के लिए इन पेड़ों के नीचे आ घुसे हैं। जब बताया जा रहा है कि इसी दौरान इन्हीं पेड़ों पर तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी है और 14 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें एक 5 वर्षीय भी शामिल है जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना की सूचना जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लगी है तो बताया जा रहा है कि दुख के साथ उन्होंने 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके दौरान अगले 2-3 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके दौरान भारी प्रबल रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। सो दोस्तों, मौसम विभाग से जुड़े रहने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।